मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा आर्मला हसन। आज की रिसर्च कुछ इंटरेस्टिंग भी है और बड़ी इन्फॉर्मेशन भी होती है बहुत सारे लोगों के लिए। हमारे यहाँ नॉर्मली घर पे फ्रेश खाने तो बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रेफर करते हैं कि अच्छा उनको फ्रीज़ कर दिया जाए और उनका इस्तेमाल कर लिया जाए। चले कोई बात नहीं, दोबारा कहाँ से मेहनत करेंगे, इसको फ्रीज़ कर देते हैं। या जो घर में, मेरे घर में कोई प्रैक्टिस जो सालन सबको बहुत पसंद आया, वो लगे कि वो बहुत ज़्यादा बन गया, तो उसको फ्रीज़ करने का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। लेकिन जनाब दूध का इस्तेमाल चूँकि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं और नॉर्मली आप दूध को जमाना या उसको रखना तो आम सी बात है, लेकिन उसको जो फ्रीज़ कर देते हैं उससे उसके लिए बहुत काम ख़राब हो जाता है। उसमें जो बलाई जिसको आप कहते हैं और जिसके उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत इंपैक्ट आता है उन पर गलत किस्म का, क्योंकि जब आप फ्रीज हुआ हुआ दूध पीते हैं तो उसमें अलग अलग सी वो बलाई अलग हो जाती है, दूध अलग हो जाता है, तो उसके बाद आप उस पर एक ऑयली सी भी आ जाती है जिससे उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो लिहाजा प्रेफर ये करना चाहिए कि दूध फ्रेश उसको कंज्यूम किया जाए, बॉयल किया जाए और मैक्सिमम एक दिन या पूरा, जैसे आपने सुबह आया आपके नॉर्मली घरों में यही प्रैक्टिस होती है, तो शाम तक आप उतना दूध हो के वो ख़त्म हो जाए। तो फ्रीज़ करने वाला दूध क्या, आलू के हवाले से बताएं, और तली हुई चीज़ें जिनके हम बताते हैं कि आप जो डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं नॉर्मली फिश जो हम खा रहे होते हैं उसमें भी हमारी ये प्रेफरेंस होती है कि हम फिश भी फ्रीज़ कर देते हैं, उससे भी उसका बहुत काम ख़राब होता है। उन्हें बग़ैर तले हुए आप किसी बंद डब्बे में फ्रीज़ कर दें तो वो बेहतर है, लेकिन उसको भी ज़्यादा अरसे तक फ्रीज़ करना आइडियल नहीं समझा जाता। तो बेहतर होता है कि चीज़ों को फ्रीज़ ना किया जाए, स्पेशली जो डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं, क्योंकि ऑयल उनके अंदर अब्जॉर्ब होता है जब उनको फ्रीज़ करते हैं, तो वो ऑयल भी साथ में फ्रीज़ होता है, उसके बाद फिर अक्सर लोगों को खांसी गला ख़राब होने की भी शिकायत होती है। तो लिहाजा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको भी अवॉइड करना चाहिए। आपको ये सब्जियां और फल ये तो डेफिनेटली फ्रीज नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब आप अमूमन हमारे घर में, मैं अपने घर की बात करूंगी, टमाटर फ्रीज कर लेती हैं मेरी अम्मी, और जब वो टमाटर फ्रीज होते हैं उसके बाद जब उनको पिघलाते हैं तो वो इतने नरम हो जाते हैं कि वो किसी भी चीज़ में इस्तेमाल नहीं हो सकते। लेकिन हाँ नॉर्मली लोग करते हैं गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अरसे तक उसको फ्रीज नहीं रखना चाहिए, डॉक्टर कहते हैं उसमें कुछ ऐसी जो कह लें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जिससे आपकी सेहत इम्पैक्ट आ सकता है। गलत, दही को आपने फ्रीज नहीं करना। उसके बाद चावल, चावल अक्सर हमारे यहाँ नॉर्मली घरों में कुछ में ऑयल इस्तेमाल होता है, कुछ में घी इस्तेमाल होता है, तो जो घी वाली चीज़ें होती हैं अगर आप उनको वैसे ही कुछ लोग ठंडा खा लेते हैं तो वो भी आपके अंदर जाके बहुत नुकसान पहुँचाते हैं सेहत को। तो प्रेफर बातों की बात, सारी बातों का एक ही निचोड़ कि फ्रेश चीज़ें खाएं, कोशिश करें कि फ्रीज़र जो फ्रीज़ की हुई चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। मसाला जात भी आपने ज़्यादा देर इसको फ्रीज़ नहीं करना। तो जनाब ये तो हमें आज रिसर्च मिली थी सुबह सुबह, तो मैंने कहा थोड़ी सी शेयर कर ली जाए। लेकिन लाइब्रेरीज़ की आज हम बात करने वाले हैं जनाब, बुक रीडिंग और ये सारी चीज़ें हम कहते हैं बहुत ज़रूरी हैं। यूरोप खूबसूरत शहरों में, तरीन शहरों में का एक कहा जाता है मरकज़ है, लेकिन वहाँ पर जो एक बात होती है कि लाइब्रेरीज़ या कुतुब खाने, हम पाकिस्तान में कहते हैं कि इतना ज़्यादा उनको नहीं किया जाता, प्रेफर नहीं किया जाता, यहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज़ नहीं है और लोगों में बुक रीडिंग का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो रहा है। जो शौकीन है उन्होंने घरों में मिनी लाइब्रेरीज बनाई हुई है या वहाँ पर बुक्स का कितने, जनाब एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसे दुनिया की खूबसूरत तरीन लाइब्रेरी कहा जाता है। 1622 में इस कुतुब खाने को एक जामे में तब्दील कर दिया गया था, जो इस वक्त जो कहा जाए सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी करार पाई थी। इसकी इमारत इसे यूरोप में सबसे ज़्यादा इमारत का हामिल रकबा भी है इसके पास, और यहाँ पर कुछ ऐसी किताबें भी मौजूद हैं जो कदीम दौर के अहम मजहबी रहनुमाओं के जेरे मुतालिया भी रही हैं। बाज़ किताबों पर उन अहम शख्सियात के हाथों के निशान यानी कि फिंगरप्रिंट्स भी हैं, और लाइब्रेरी के दरो दीवार और इसकी जो छत है इस पर बहुत ज़्यादा जो नफासत के साथ मीनाकारी जिसे आप कहते हैं वो भी की गई है, नक्शोनिगारी की गई है, और तकरीबन जो कह लें तमाम तक कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी इस पर डिस्प्ले किया गया है। तो डेफिनेटली बहुत खूबसूरत सी एक है, और इसको आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बढ़ाया भी है और बहुत सारी इसमें जो कह लें एडिशन भी की हैं, बुक्स भी नई लाई गई हैं, तो इसको दुनिया की खूबसूरत तरीन लाइब्रेरीज में शुमार किया जाता है। और डेफिनेटली लाइब्रेरी अगर आप पढ़ने जाते हैं तो आपको एक एम्बियांस कहते हैं ना, जब आप खाना खाने जाते हैं तो किसी रेस्टोरेंट का एम्बियांस बहुत अच्छा होता है, जो बुक रीडिंग के शौकीन अफराद है मेरे ख्याल से उन्हें सुकून और एम्बियांस भी बहुत इम्पैक्ट डालता है। और डेफिनेटली आपको मुताले की बड़ी पुरसकून खूबसूरत सी जगह का इंतखाब करना चाहिए ताकि आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो। तो जनाब ये हमने आपको बता दिया कि ये लाइब्रेरी जो है बहुत खूबसूरत है, और इसके साथ साथ मौसम खूबसूरत होगा या नहीं होगा ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले फ्लाइट और ट्रेन के टाइमिंग्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग में क्या ज़रूरी है टाइमिंग, और अगर आप टाइम से नहीं जाएंगे तो आपकी फ़्लाइट भी मिस हो सकती है और आपकी ट्रेन भी मिस हो सकती है, और ये हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, इसलिए फ़्लाइट और ट्रेन की टाइमिंग्स आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी।
टाइमिंग्स भी, रवानगी और आमद दोनों की एक्सपेक्टेड टाइमिंग्स है जो आपकी स्क्रीन पर। के टाइमिंग्स हमने आपको बता दी, अभी हम मौसम की सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपकी सेहत के हवाले से भी बात करते हैं। नॉर्मली सी सेक्शन जो खवातीन जिनके बेबीज के थ्रू मतलब बेबीज का मामला चल रहा होता है, उसमें ये कहा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, सी सेक्शन होगा। बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी हैं, बहुत सारी बातें भी हैं जो खवातीन कुछ खुद भी प्रेफर नहीं करती, कुछ मेडिकल इश्यूज होते हैं और कुछ ये भी समझते हैं कि जनाब डॉक्टर्स जान के कर देते हैं सी सेक्शन, इनको नहीं पता। लेकिन ऐसे तमाम तर मामलात पे आज हम डिस्कशन करेंगे और जो जो मसाइल हैं इनका इलाज क्या है, इनको किस तरह से अवॉइड किया जा सकते हैं, आपकी डाइट कितनी अच्छी होनी चाहिए, इन तमाम तर चीज़ों पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर नाजिया अयूब जो कि कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट है लाहौर जनरल हॉस्पिटल में। और वेलकम करेंगे डॉक्टर नाजिया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर नाजिया, नॉर्मली सी सेक्शन प्रेफर नहीं किया जाता था, पहले की बात की जाए नॉर्मल डिलीवरी को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती भी थी और आइडियल भी समझा जाता था, क्या वजूहत हैं कि रेशो बढ़ी है सी सेक्शन की? सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि सीजेरियन सेक्शन है क्या। सीजेरियन सेक्शन इज बेसिकली डिलीवरी ऑफ द बेबी थ्रू एब्डोमेन, अगर जो उस उन वजूहात की बिना पे होती है जहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। अब इसमें कुछ एब्सोल्यूट इंडिकेशंस हैं और कुछ रिलेटिव हैं, जिनमें थोड़ी सी मैं जिक्र कर दूं कि एब्सोल्यूट लाइक के हमें पहले से पता है कि ये होना ही सीजेरियन सेक्शन है, लाइक के बेबी आड़ा है, तिरछा है, उल्टा है, यानी कि उसकी मैल पोजिशनिंग है। दूसरा बेबी की जो आवल है वो फ्रंट पे है, नीचे है, लाइक उसमें पानी बहुत ज़्यादा बहुत कम, ये भी चीज़ कर सकती, ये भी कंडीशंस होती हैं। इसके अलावा कुछ सर्टन मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें एब्सोल्यूट हमें इलेक्टिव सीजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। दूसरी किस्म जो है वो बेसिकली रिलेटिव है, जिसमें हमें मेडिकल कंडीशंस के साथ देखना पड़ता है, कुछ बच्चे को जहाँ रिस्क ज़्यादा है वो ये इनबैलेंस करना पड़ता है कि इसके लिए सीजेरियन डिलीवरी बेहतर है या नहीं, जहाँ बच्चे की जान को खतरा हो, या कहीं मेडिकल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं ऐसे जहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि अब माँ के लिए नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क लेना बेहतर है या फिर नहीं। इसी तरह दो बातें जी, एग्जैक्टली एट द स्पॉट इज कॉल्ड एमरजेंसी सीजेरियन सेक्शन। और एमरजेंसी सीजेरियन सेक्शंस की दो मेन वजूहात देखी गई हैं और यही ज्यादातर पाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहले बच्चे के दिल की धड़कन का कम होना, जिसको हम फीटल डिस्ट्रेस कहते हैं, और दूसरी वजह बच्चेदानी का मुंह का ना खुलना, जो कि हमें जो जिसको हम फेलियर टू प्रोग्रेस कहते हैं, यही दो मेन कॉजेज हैं। जी जी, और हैमरेज, जो ब्लीडिंग तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी का, ड्यूरिंग डिलीवरी भी, डिलीवरी से पहले भी और डिलीवरी के बाद भी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सी सेक्शन रेशो की बात करें, क्या वजूहत हैं कि आजकल लड़कियों की बात की जाए तो वो ज्यादातर तो खुद भी प्रेफर करते हैं कि हम सी सेक्शन करवाएंगे, दे डोंट वांट टू गेट दैट पेन। उसके अलावा भी बहुत सारी रीजन है, जैसे आपने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, रेशो बढ़ने की वजूहत है। रेशो बढ़ने में जो अब देखा गया है, जैसे कुछ एजुकेशन हमें अवेयरनेस और एजुकेशन थोड़ा सा इस तरफ भी ले जाता है और उस पर फियर्स भी कुछ लोगों में डेवलप हो जाते हैं। लाइक एक कंसेंसस के मुताबिक देखा गया कि अमेरिका में वो हुआ और उसमें देखा गया कि जो हाईली एजुकेटेड और रिच लोग थे, दे प्रेफर्ड सीजेरियन सेक्शन, और बिकॉज दे डिडंट वांट टू गेट एनी रिस्क, दे नो अबाउट द पेन, उनको पता था दर्द होगी, उनको पता था कि ये इसके रिस्क क्या हैं। अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी आपको उस चीज़ से दूर ले जाती है, तो ये देखा गया। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ी सी सूरत हाल ऐसी है, जैसे अगर मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूँ, लाइक आई एम वर्किंग इन अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल एंड इट्स अ गवर्नमेंट सेक्टर, और हमारे पर लोड बहुत है बाहर से जो आते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी केयर से जो केसेज आते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, दैट्स वाई वी आर, मतलब हमारा तो बहुत हाईस्ट इन्फेक्शन रेट है, उसमें हमारे पास चॉइस ही नहीं है। लेकिन जो आप बात कर रही हैं प्राइवेट सेक्टर की, या एक मेरे पास प्राइमरी आती हैं फर्स्ट जिसकी प्रेगनेंसी है बच्ची, और वो मुझे कहती है कि आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क टू माय बेबी, क्योंकि मैंने नेट पे ये पढ़ा है कि नॉर्मल डिलीवरी में तो बच्चे को ये रिस्क हैं, आई कैन नॉट टेक दैट रिस्क, और तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और प्लस फियर ऑफ पेन बिल्कुल है, और वही वाली बात आ जाती है, डॉक्टर भी थोड़े से रिलक्टेंट हो गए हैं, आई मस्ट से दैट बिकॉज ऑफ द मेडिकल लीगल इश्यूज जो आना शुरू हो गए हैं, और उनसे जाहिर है ये भी एक अवेयरनेस का ही पोर्शन है कि लोगों का अवेयरनेस। एग्जैक्टली
इस वजह से भी डॉक्टर्स भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, ये दोनों साइड्स पर ही है, दोनों साइड्स होते हैं। अच्छा, हाँ, कुछ हम लाइफस्टाइल अपनी डाइट की भी बात करेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करती है। तो क्या लगता है कि आजकल बच्चों में डाइट का प्रॉब्लम है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो सारी चीजें भी? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है और उनकी हीमोग्लोबिन, सबसे पहली चीज वही एनीमिया आ जाती है कि हीमोग्लोबिन इज सो लो कि हम परेशान हो जाते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम में फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आती हैं कि गजा में प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट ना लेना, बैलेंस्ड डाइट ना लेना लीड्स टू दिस एनीमिया। जैसे जंक फूड का आजकल ट्रेंड है बहुत ज्यादा, बच्चियां दूध नहीं पी रही, इसलिए विटामिन डी डेफिशिएंसीज हो रही हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसीज हो रही हैं। इस वजह से बच्चियों में वो पावर और पोटेंशियल है ही नहीं कि दे कैन बेयर द पेन, और दैट्स वाई उनकी जो स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं वो बच्चे को भी इफेक्ट करती हैं, और इसी तरह बच्चा भी उसी हेल्थ में जब रहेगा तो हो सकता है कि वो एंड अप फीटल डिस्ट्रेस में हो, यानी कि बच्चे की दिल की धड़कन जो खराब होती है और वो उसमें फिर इमरजेंसी सेक्शन करने पड़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, नॉर्मली हम देखें अगर सी सेक्शन के दौरान, खुदा ना खास्ता, उसमें भी तो रिस्क होता ही होगा डेफिनेटली। क्या रिस्क है, किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है, प्रॉब्लम्स क्या है जो नॉर्मली खवातीन को फेस करने पड़ते हैं? सी सेक्शन इज अ बेसिकली अ मेजर प्रोसीजर, और जस्ट लाइक एनी अदर मेजर प्रोसीजर, रिस्क स्टार्ट हमेशा एनेस्थीसिया से होते हैं, जिसको हम बेहोशी भी कहते हैं। दो तरह की है, एक मुकम्मल बेहोशी है, एक जो दूसरी के जिसमें हम सुन कर देते हैं जिसमें कुछ ले सको, लेकिन डेफिनेटली कोई भी चीज़ बगैर रिस्क के नहीं है। उनकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनमें कार्डियक हैं और लंग्स की हैं और दूसरी किस्म की आ सकती हैं, और सिजेरियन सेक्शन की अगर मैं बात करूँ उसमें सबसे पहले ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन है, और उसके बाद कोई इंजरी है जो कि इन मतलब गलती से भी लग सकती है, उसके बाद पोस्ट ऑप केयर में भी फिर सेप्सिस आ जाता है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस आ जाती हैं, और आजकल जो देखा जा रहा है वो डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि पोस्ट नेटल डिप्रेशन में पेशेंट्स चले जाते हैं जिनको फिर हमें साइकेट्रिक की फिर एवेल्युएशन और उनकी मदद की जरूरत पड़ती है उसमें। अच्छा, नॉर्मली जो खवातीन अर्ली प्रेगनेंसी की बात करें, प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती है जिनका नॉर्मल भी डिलीवर होने वाला होता है, उनको भी पेएम जिसको हम इमरजेंसी कहते हैं, तो अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट यह है कि डॉक्टर्स खुद से करते हैं, ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंस तो है, जैसे भी आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल, इस कॉन्सेप्ट के हवाले से ये कॉन्सेप्ट बेसिकली वही जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि ड्यू टू अवेयरनेस भी आप कह सकते हैं और ड्यू टू सम फियर्स भी हैं, फियर्स ऑन द पार्ट ऑफ पेशेंट एंड डॉक्टर ऑल्सो। अब बात यह है कि एक पेशेंट आपके पास आती है और जिसको पहले कोई मिसकैरेज हो गया है, या उसके पहले बच्चे की किसी की डेथ हो गई है, या उसका प्रीवियस बैड ऑब्स्टेट्रिक अपना एक्सपीरियंस है, तो वो तो पहले ही डरी हुई है कि मैं नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क तो मैं लूंगी ही नहीं। वहाँ आपको हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे ही पेशेंट के साथ जब आप रेपो बिल्ड करते हो, यू कम टू नो कि ये तो पेशेंट इस तरफ है ही नहीं। एक तो वो रीजन हो गया, फिर डॉक्टर भी अपने पार्ट पर उस पेशेंट के लिए, जाहिर है इन द एंड वी नीड अ हेल्दी मदर एंड अ हेल्दी बेबी, जो आउटकम है हमारा ये है, हमारा एम ये है, तो फिर मोड ऑफ डिलीवरी एक सेकेंडरी थोड़ी सी बात रह जाती है, ऑल दो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो फिर वहाँ हमें पेशेंट को लेके चलना पड़ता है, और फिर हमें भी थोड़ा सा अपना लो थ्रेशोल्ड रखना पड़ता है बिकॉज ऑफ द लिटिगेशन इश्यूज। ठीक हो गया, हमारे साथ कॉलर हैं जी गुलाम मुश्ताक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है, ठीक हूँ, आप बताएं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। डॉक्टर से बस बात करनी है। जी जी, करें डॉक्टर से। जी एक्चुअली मैं ना आई एम प्रेग्नेंट थ्री मंथ्स प्रेग्नेंट। ओके जी, तो इशू ये शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है ना। ठीक है ठीक है, तो आपकी ये पहली प्रेगनेंसी है गुलाम मुश्ताक? नहीं, फर्स्ट मेरी बेबी है माशाल्लाह, 6 ईयर। अच्छा, ये दूसरा बेबी है आपका? जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, कुछ पूछना चाहेंगे? क्या पूछना चाह रहे हैं? ये पूछना चाह रही है कि मेरा ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों बहुत हाई है। ये दिस इज अ मेजर हैजर्ड नाउडेज। अब सबसे पहले हमें इसी से स्टार्ट बिल्कुल करना चाहिए कि आजकल हाइपरटेंशन की रेशियो और डायबिटीज पाकिस्तान में तो एवरी जो कंसेंसस 1 in 3 आपको पता आ रहा है, तो डायबिटीज हाइपरटेंशन चूंकि मेजर कॉजेज हैं इल हेल्थ के और कॉम्प्लिकेशंस के प्रेगनेंट वुमन में, तो इनको स्पेशली ये देखना है कि अपना शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल थ्रू द फिजिशियन डायबिटोलॉजिस्ट अपना कंट्रोल कराएं, क्योंकि अगर इनका टाइम इनिशियल टाइमिंग्स में ही ये कंट्रोल नहीं है तो इट मे वर्स। अच्छा,
इट मे वर्स इन फ्यूचर, और ये टाइम गुजरेगा तो ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी. ब्लड प्रेशर इनके लिए भी डेंजरस है, इनके बच्चे के लिए भी हाईली डेंजरस है. ब्लड प्रेशर हाई होगा तो इनको फिट्स पड़ सकते हैं, इसे क्लैम्पसिया कहते हैं. ब्लड प्रेशर हाई होगा तो बेबी की ग्रोथ इफेक्ट होगी, ब्लीडिंग हो सकती है, ये एक मोटी मोटी बात है. डायबिटीज में बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं, बहुत ज्यादा वेट गेन हो सकता है बेबी का, जिससे नॉर्मल डिलीवरी वैसे ही इम्पॉसिबल हो जाती है. तो इनको तो बहुत शदीद जरूरत है कि शी शुड गो टू हर फिजिशियन और ऑप्टिमाइज कीजिए अपनी कंडीशंस को, और फिर अपने गायनेकोलॉजिस्ट को लेकर प्रॉपर टाइमली एंटीनेटल विजिट्स, क्योंकि इनको ज्यादा फ्रीक्वेंट जाना पड़ेगा अपने डॉक्टर के पास बिकॉज ऑफ द मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस. और डिपेंड करता है इनके प्रीवियस मोड ऑफ डिलीवरी पे कि वो क्या था. इफ इट इज नॉर्मल डिलीवरी, अगर इनकी चीजें स्मूथ चलती हैं, बेबी भी स्मूथ रहता है ग्रोथ वाइज और नॉर्मेलिटी वाइज, और इनकी भी ऑप्टिमाइज रहती है, तो देयर इज नो हार्म इन एक्सपेक्टिंग नॉर्मल लेबर. लेकिन अगर किसी टाइम पे कोई प्रॉब्लम पहले या बाद में कोई डिटेक्ट हो जाती है तो वी विल नॉट टेक द रिस्क. शी शुड बी मेंटली प्रिपेयर फॉर सेजन सेक्शन. अच्छा, फीटल डिस्ट्रेस की हम बात करें, बेसिकली अभी आपने वर्ड भी टर्म भी यूज की थी, क्या है फीटल डिस्ट्रेस? इज बेसिकली चेंजेस इन द फीटल हार्ट रेट ड्यू टू डिक्रीज्ड ऑक्सीजनेशन. अब जब कॉन्ट्रेक्शंस आती हैं, जो कि ज्यादातर इमरजेंसी सेक्शन फीटल डिस्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं, तो मैं वो बात करूंगी. तो जब भी कॉन्ट्रेक्शंस या लेबर पेन्स होंगी तो उस ड्यूरेशन के लिए बच्चे की ब्लड सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाती है. अब जो नॉर्मल हेल्दी बच्चा है वो तो ये बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज है किसी भी वजह से, माँ या आवल की वजह से, तो वो बच्चा ये नहीं सह सकता और वो उसकी धड़कन की चेंजेस आ जाती हैं और फिर वो कई दफा अंदर पखाना पास कर देता है. अच्छा, तो वो फिर वी डोंट हैव टाइम देन. It's an urgent cesarean section. Sometimes. अच्छा, हमारे यहाँ normally जैसे भी हम बात कर रहे थे pregnancy जब शुरू होती है तो हमें अभी नहीं आइडिया कि normal delivery है या C-section है, तो normally हम practice करते हैं कि हम बिल्कुल bed rest पे चले जाते हैं, physical activity बिल्कुल खत्म हो जाती है. वो भी एक important role. अब उन बड़े बूढ़े जब हम देखते थे वो कहते हैं कि physical activity जरूर करनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, physical activities तो बहुत जरूरी हैं. सिर्फ कुछ चंद एक conditions हैं जिनमें हम bed rest पे या उस पे आते हैं, जैसे आवल नीचे है, placenta previa है. अदरवाइज हेल्दी लाइफ स्टाइल में आपकी डाइट के साथ आपका एक्सरसाइज भी आती है. यू कैन वॉक, आपको बिल्कुल 10-15 मिनट्स की नॉर्मल सी मॉडरेट वॉक करनी चाहिए. स्क्वाटिंग सी एक्सरसाइजेज हैं वो 5-10 मिनट जरूर करें आप. और मोबिलाइजेशन तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट इट मोबिलाइजेज योर ऑल द जॉइंट्स. आपके हिप जॉइंट मोबिलिटी अच्छी होती है, टोनिंग अच्छी होती है, और दैट एड्स, इस पे तो रिसर्चेज हैं दैट एड्स इन नॉर्मल डिलीवरी एक्चुअली. तो मोबिलाइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपके सामने आपके घर में जो काम करने वाली है वो इसी तरह काम करते करते बच्चे भी पैदा कर रही है और सब कुछ कर रही है. लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो ये कुछ क्लास डिफरेंस भी है. मैंने आपको पहले मेंशन किया कि कॉन्शियसनेस, क्लास डिफरेंस और सोशल और मेडिकल और वट एवर एजुकेशन का भी इसमें थोड़ा आ जाता है. तो अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ जाती है कुछ लोग कॉन्शियस ज्यादा हो जाते हैं कि नहीं जी एक्सरसाइज की तो शायद पता नहीं अबॉर्शन हो जाएगा. और मैं इतना समझाती हूँ पेशेंट्स को कि दिस इज नॉट द वे. आप अपने इर्द गिर्द देखो, यू मे सी कि आप देखें कि लोग काम करते हुए डिलीवर हो रहे हैं. जी जी, अच्छा ठीक है. वैसे कॉलर है जी सना. अस्सलाम वालेकुम सना. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सना आप? मैं ठीक हूँ उर्मिला, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. उर्मिला, आज मेरा सवाल है कि अक्सर मेरे तो है बच्चे तीनों नॉर्मल हुए हैं, अक्सर मैं लड़कियों को देखती हूँ जो ससुराल में डिप्रेशन की डिप्रेशन का शिकार है, घरेलू मतलब नासाकी की वजह से. उनके लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको क्या करना चाहिए, आप इसके बारे में जरा बताएं प्लीज. ठीक है, जो आप डिप्रेशन और स्ट्रेस की बात कर रही हो, राइट? हाँ 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 जी जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सना. अभी जवाब करते हैं. डिप्रेशन और स्ट्रेस की हमने पहले भी बात की कि ये भी बहुत इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अलार्मिंग इशू, क्योंकि डिप्रेशन की भी इंसिडेंस अब बहुत बढ़ रहा है हमारे यहाँ पे, प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही है. और बच्चियों में चूंकि सेंसिटिविटी लेवल बढ़ रहा है, वही अवेयरनेस वाली बात, सोशल लाइफ स्टाइल हमारा ऐसा है कि अब डिप्रेशन और साइकेट्रिक एंड साइकोलॉजिकल इलनेसेस बहुत बढ़ रही हैं. डिपेंड करता है कि आपकी इलनेस किस लेवल पे है, क्या डायग्नोसिस है आपका और आपकी सेवेरिटी ऑफ कंडीशन क्या है. लेकिन लेकिन अपने साइकेट्रिस्ट को, अपने फिजिशियन को, अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ लायजॉन रखें और अपनी ड्रग्स को ऑप्टिमाइज कराएं, ड्रग्स की डोजेस को एडजस्ट करवाएं, उनकी क्वालिटी आपको अश्योर होनी चाहिए कि ये बच्चे के लिए नुकसानदेह नहीं है, वो खैर डॉक्टर बता देते हैं. इसी तरह साथ अपने गायनेकोलॉजिस्ट को लेके चलें. अगर सब चीजें ठीक हो तो मैं आपको एक बात बता दूं कि डिप्रेशन इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर सेजन सेक्शन. दैट डिपेंड्स अपॉन द सेवेरिटी एंड
एटीट्यूड ऑफ द पेशेंट टूवर्ड्स नॉर्मल डिलीवरी, अगर उसका बिहेवियरल चेंजेस इज बहुत ज्यादा एब्रप्ट हैं और वो नहीं सह सकती, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएगी. अदरवाइज इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन, लेकिन जाहिर है ट्रीटमेंट उसकी बहुत जरूरी है क्योंकि शी मे गो इन टू पोस्ट नेटल डिप्रेशन, मोर फ्रीक्वेंट चांस है आम पेशेंट के उसमें, तो उसको ख्याल रखना उसका और उसका मेडिकेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी. फैमिली ऑब्वियसली उसमें बहुत 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 फैमिली सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, बिल्कुल. अच्छा, ऑन एंड ऑफ जो आपके कह लें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके चेकअप्स होते हैं, नॉर्मली कितने अर्से बाद रिकमेंडेड होता है कि गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करें ताकि अपनी प्रॉपर एक स्क्रीनिंग और चेकअप हो जाए? बिल्कुल जी, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंटीनेटल चेकअप में एक आपका इनिशियल विजिट आ जाता है, दैट मे बी इन योर 12th वीक और 16 वीक. उसके बाद आपका एक स्केड्यूल वो आपको दे देते हैं कि अब आपने लाइक 28 वीक्स पे आना है, नेक्स्ट 28 वीक्स के बाद आपने जो है वो मंथली आना है 32 वीक्स तक, उसके बाद आपने फोर्टनाइटली 36 वीक्स, उसके बाद आपने वीकली आना है अप टू 40 वीक्स. लेकिन इट मे चेंज डिपेंडिंग अबाउट एज आई सेड बिफोर के पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन, मेडिकल प्रॉब्लम और उसकी हाई रिस्क जितना वो है उस हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, ज्यादा हो सकती है या कम भी हो सकती है. लेकिन WHO को अगर हम देखें तो वो ये कहते हैं कि एटलीस्ट 4 विजिट्स आर नेसेसरी फॉर अ लो रिस्क प्रेगनेंसी, यू शुड गो टू डॉक्टर एंड हैव एडवाइस. अच्छा, डाइट प्लान और साथ जो मल्टीविटामिंस या कुछ इस तरह की चीजें रिकमेंड सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए जाते हैं नॉर्मली डॉक्टर्स की जानिब से, वो कितने जरूरी है? एक्चुअली सबसे पहला सप्लीमेंट इनिशियली फर्स्ट थ्री मंथ्स में फॉलिक एसिड लेना, बल्कि प्री प्रेगनेंसी ही स्टार्ट कर देना बेहतर होता है 3 मंथ्स बिफोर कंसेप्शन. फॉलिक एसिड इज इंपॉर्टेंट, उस वक्त सिर्फ डाइट पर ध्यान दें, इतनी मल्टीविटामिंस को हम नहीं एडवाइस करते. आफ्टर 16-18 वीक्स हम वी ऐड आयरन बिकॉज इट्स अ वेरी हाई प्रेवलेंस रेट ऑफ आयरन इन आवर कंट्री स्पेशली, तो आयरन हमें ऐड करना पड़ता है और शी शुड टेक आयरन. और उसके बाद हम सप्लीमेंट में कैल्शियम एंड विटामिन डी भी ऐड करते हैं बिकॉज ये भी डेफिशिएंसी है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है वो जैसे मैंने आपको बताया लाइफस्टाइल की वजह से, तो ये आयरन और कैल्शियम को आई थिंक लेना बहुत जरूरी है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, बहुत शुक्रिया. जनाब, सी सेक्शन के हवाले से जो कॉन्सेप्ट थे, जो मिसकंसेप्ट थे, वो सब हमने क्लियर करने की कोशिश की है. और डेफिनेटली आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, तभी आपकी अगली जनरेशन भी है वो सेहतमंद होगी. अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे पास न्यू स्टोरीज भी होंगी जिन पर हम डिस्कशन करेंगे. आप देखते रहिए जागो लाहौर.